हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसका आज दूसरा पार्ट है, नहीं एक्चुअली तीसरा पार्ट है साइंस का। सो इसमें वही है जैसे कि मैं स्टार्ट की हुई है 15 क्वेश्चंस, आपको पहले खुद से ट्राई करने, उसके बाद आंसर देखने, और एंड में आपको कमेंट में लिखना है कि आपने 15 में से कितने करेक्ट किए। एक्चुअली जब आप खुद से ट्राई करोगे और उसके बाद आंसर देखोगे तो ही आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। और बेसिकली ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो ये जनरल साइंस का सेक्शन है, इसके बाद मैं जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन लेके आऊँगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग द वीडियो देन प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ड्रग इज़ यूज टू क्योर ऑस्टेरोपोरोसिस। सो आपके पास चार ऑप्शन है, राइजोडोर्नेट, ट्रामाडोल, प्रोमेटाजाइन एंड लिवोथायरोक्साइन। सो इसमें जो आपका पहला करेक्ट ऑप्शन है वो होगा राइजोड्रोनेट। ओके, विच इज़ द फ्लैशी स्पोर बेयरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस। सो ऑप्शन है एलोवेरा, कोरल, कैक्टस एंड मशरूम। सो इसका होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज डी, विच इज़ मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइलम। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर ए, ऑप्शन ए, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट डिजीज आर नोन एज, सो पैथोजेंस, वैक्टर्स, ड्रोन्स एंड स्केलर्स। सो द इंसेक्ट ट्रांसमिट डिजीज आर नोन एज ऑप्शन बी, दैट इज वैक्टर। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, थॉरिक्स और पैनक्रियाज। सो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट ऑप्शन डी, दैट इज पैनक्रियाज। पहला बोलता तो कौन सा होता? लीवर। सेकेंड है द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सीक्रेटेड by which of the following? Kidneys, pancreas, large intestine or liver? So lipase is secreted by again option B, that is pancreas. Now the arrangement of leaves on an axis or stem is called palataxy, vernation, venation or phytotaxy. So the arrangement of leaves on the axis or the stem is known as phyllotaxy, option A is correct. Which non-flowering spore-bearing plants have roots? So gymnosperms, angiosperms, ferns या फिर none. So roots की बात की तो option C, ferns. Which is the excretory organ of cockroach? So malpighian tubules, nephridia, कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। सो इसका ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट, डिसऑर्डर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज हाई। सो हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोमा एंड यूरेमिया। सो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज हाई, दैट इज नोन एज ऑप्शन ए, हाइपरग्लाइसेमिया। बर्ड्स विच स्वीम इन वाटर हैव वेब्ड फीट, broad wings, long beaks or toe with calves. So that is option A, webbed feet. Next question is, which one of the following diseases is caused due to presence of excess arsenic in water? So excess arsenic in water is saying, okay, remember this, excess arsenic in water. So Alzheimer, Parkinson, skin and indigestion. So that is option C, skin. कैंसर। हु इन्वेंटेड ECG? विलियम इंथोवेन, एडवर्ड जनरल, कार्ल बेंज और रॉबर्ट कूच। सो ECG वॉज इन्वेंटेड बाई विलियम एंथोवेन।
इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म पीरियोडिक सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म. सो इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन दैट इज ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म. ऑप्शन डी द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड इरेगुलरिटीज ल्यूब्रिकेंट्स एडहेसिवनेस और विस्कस. एक्चुअली यहाँ पे आप उसको ई कर देना ADHESIVS ओके विस्कस. तो इसका ऑप्शन जो होगा दैट इज लुब्रिकेंट. ओके सो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चंस एंड आप कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपने 15 में से किसे कितने करेक्ट किए हैं और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है नहीं आ रही है भी जरूर आप कमेंट में लिखें. और वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एंड टेक केयर.